हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ एक वीडियो के ऊपर जो कि होने वाला है मौलाना तारिक जमील साहब के बयान होने वाला है, हमारे नबी कितने खूबसूरत हैं। ठीक है, और इस वीडियो के लिए मुझे जिन्होंने सजेस्ट किया है वो मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे एक सब्सक्राइबर है, मेरे भाई जावेद पठान। उन्होंने इस वीडियो का लिंक मुझे सेंड किया था कि सिस्टर इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट ज़रूर करना, बहुत प्यारी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखना। बट बिफोर आई स्टार्ट, आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप लोग लाइक करते हो ना, तो मैं इसलिए हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट होती हूँ। 1000 लोग अगर वीडियो को देखते हैं तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि 500 लोग तो कम से कम लाइक किया करो। आप लोग वीडियो कमेंट्स तो आप लोग करते हो बट लाइक करना शायद भूल जाते हो, तो प्लीज़ वीडियो देखते ही लाइक कर दिया करो। और अगर आपको उससे ज़्यादा थोड़ी और पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हो। और अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके तो ज़रूर से जाइएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखना। अब इस रास्ते में नहीं जो आप जाते हैं, पुराने रास्ते, वहां भूख लगी तो एक खैमा देखा। वहां ये हजरत अबू बकर के गुलाम आमिर बिन फहरा और गाइड अब्दुल्ला बिन उरैकत, वो मुसलमान नहीं थे, काफिर थे वो उस वक्त, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो वहां एक बुढ़िया बैठी थी खैमे में, कमाजी कुछ खाने को मिलेगा? मैं कहा बेटा कहत का जमाना है, कुछ भी नहीं। तो एक बिल्कुल मरियल बकरी खड़ी हुई थी, तो आपने कहा मैं इसका दूध निकालू। उन्होंने कहा पुत्र है तो मास ही कोई नहीं, तो दूध के थूकड़ना। आपने कहा माँ जी इजाजत दे दो, अगला काम मेरा है। तो जो कि एक अनहोनी हो रही थी ना, तो आपको बड़े गौर से देखती रही। तो आपने वो उसको खींचा और उसको जो थनों को हाथ लगाया तो ऐसे लटक के नीचे आ गए, दूध से भर गए। अच्छा, बकरी से निकलता है एक पाव दूध। हम गांव में रहते हैं, बकरियां हर वक्त चारों तरफ होती, एक पाव से ज्यादा दूध निकल। आपने पूरा बर्तन भर दिया, फिर वो माँ जी को पेश किया, उम माबद उनका नाम है, उन्हें पिया, फिर अपने तीनों साथियों को पिलाया, फिर बाद में खुद पिया, उसके बाद दोबारा दूध निकाल के फिर बर्तन भर दिया। ले वो और परेशान हो गए। बकरी की उम्र होती है 7 साल, 7, उसके बाद वो खुद मर जाती है 7 साल आमतौर पर। ये बकरी 22 साल जिंदा रही अल्लाह के नबी के हाथ लगने की बरकत, 22 बरस, और मर गई, जबा नहीं हुई, मर गई। हजरत उस्मान के जमाने में जाके मर गई खड़े खड़े। शाम को जब उसका खामिद आया तो उसने देखा बर्तन में दूध, कहने लगा ये दूध कहां से? उन्हें कहा ये बकरी से। कहा तेरा दिमाग खराब है, इतु कितु निकल आया, मां से दे उत्ते कोई नहीं, दूध कितु आ गया? इसी से एक बरकत वाला नौजवान आया था, कोई उसके हाथों में ही बरकत थी। तो कहने लगा कैसा था जरा बताओ। तो उसने हमारे नबी का हुलिया बयान किया। उन्होंने कहा रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदा अबलजल वज हसनल खल्क लम तुइबहु फजल लम तुज़रि बिही सअला अज़ज अक़रन वसीमन क़सीम फी ऐनैही दअज फी सौतिही सहत في لحيته كثافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار فهو أندر الثلاثة سبحان کیا خوبصورت تو اس نے ہمارے نبی کو ایسے اپنے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ کہنے لگی میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو، مجھے تو ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند خود ہی اتر آیا ہو کپڑے پہن کے۔ چمکتا چہرہ، خوبصورت جسم، پیٹ بڑھا ہوا نہیں، سر کے بال اڑے ہوئے نہیں، یعنی گنجے نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک چمکتا ہوا جسم، جدھر سے دیکھتی تھی حسین نظر آتے تھے، قسیم
जितना देखती थी देखने का शौक बढ़ता था। वसीम, दुनिया में खूबसूरत तो हर दौर में आते रहेंगे, वसीम और कसीम दुनिया में एक आया ना पहले ना बाद। यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे हसीन थे, लेकिन वसीम और कसीम सिर्फ एक हस्ती हैं, एक हस्ती, वो हमारे नबी हैं। कि वसीम उसे कहते हैं जिसको जितना देखा जाए उतना देखने का शौक बढ़े, आँख ना भरे, आँख ना भरे। अब एक दफ़ा देखते हैं ज़्यादा शौक होता है, दूसरी दफ़ा उससे कम, तीसरी दफ़ा उससे कम, आखिर में आप कहते हैं यार वेखो या छड़ो परा, वेखो या छड़ो परा। वसीम उसे कहते हैं जिसको जिंदगी भर देखो आंख ना भरे, उसे कहते हैं वसीम। और कसीम उसे कहते हैं कि जिसको जिधर से देखो हर तरफ से हुसन के जलवे हों, उसे कहते हैं कसीम। सर से लेकर पांव के नाखून तक, सर के बालों से पांव के नाखून तक जिसकी हर चीज खूबसूरत हो उसको कहते हैं कसीम। तो मैं उस बीबी पे कुर्बान जाऊं, उसने क्या वस्फ बयान किया, क्या यूं लगा जैसे चांद कपड़े पहन के आ गया हो, यूं लगा जैसे चौदहवीं का चांद जमीन पे उतर आया हो। जिधर से देखती थी हुसन ही हुसन था, और जितना देखती थी देखने का शौक बढ़ता था, आंखें बड़ी खूबसूरत। मैं एक हदीस और साथ जोड़ देता हूं, आपकी आंखों के बारे में सात अल्फाज हैं, अदअज, अशकल, अकहल, अहवर, अहदब, अंजल, अबरज, सात अल्फाज। और इन सात का एक तर्जमा है कि अल्लाह ने कायनात में ऐसी आंख किसी को नहीं अता फरमाई। सौखा तर्जमा करा, सौखा तर्जमा, अल्लाह ने कायनात में ऐसी आंख किसी को मोटी लंबी सुर्ख धारियां, पुतली स्याह, सफेदी सफेद, पलकें लंबी बगैर सुरमे के सुरमा लगा हुआ, गहरी आंख, चमकती आंख, नूरानी और रोशन आंख। आपकी आंखों में आंखें डाल के कोई बात नहीं कर सकता था, बर्दाश्त नहीं कर सकता, आंख झुक जाती थी। इसलिए आप यूं देखा करते थे, ऐसे आप ऐसे नहीं देखते थे, ऐसे देखते थे थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से, कभी कभी आंख उठाते थे। हमारे नबी कैसे हया वाले थे, मर्दों में भी आंख नहीं उठाते थे, इतनी हया थी। औरत तो बड़ी दूर की बात, मर्दों में भी हया की वजह से आंख उठा, आंख भर के नहीं देखते। कभी कभी आपकी जब आंख उठती थी तो फिर सारे सहाबा ऐसे हो जाते, आपको कोई देख नहीं सकता था, सिर्फ दो आदमी आपको देख सकते थे, एक अबू बकर और एक उमर, बस बाकी को नहीं देख सकता था। तो वो बीवी कहने लगी क्या खूबसूरत आंख थी, और भवे लंबी गोल कमान की तरह, फी सौत ही सह, आवाज में एक जादू था, कशिश रूह नगमा था आवाज में, ये सारी आवाज की क्वालिटीज। आवाज में रोब हो तो नगमा नहीं रहता, नगमा हो तो रोब नहीं रहता है। देखिए मेरे नबी की आवाज में नगमा भी था, रोब भी था, कशिश भी थी, जादू भी था। गाइस ये था वीडियो, और मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर कुछ भी इस वीडियो को थोड़ा और एलैबोरेट अपनी साइड से करूँगी मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं है, क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब तो बहुत जानी मानी पर्सनालिटी हैं और इतनी अजीम शख्सियत है, उन्होंने इतना खूबसूरती से जो बताया है, मतलब एक होता है ना कि इमेजिनेशन में आप वो चीज़ सोच सकते हो जिसको हमने ना देखा है, सिर्फ उनके बारे में सुना है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब ने जिस तरीके से उनका पूरा एक कैरेक्टर स्केच हमारे सामने रखा है, उनकी आँखों के बारे में, चेहरे के बारे में, होठों के बारे में, उनकी पूरे जिस्म के वो कितने ज़्यादा खूबसूरत थे, वसीम और दूसरा वर्ड क्या था, करीम आई थिंक था, तो मतलब उनके अंदर सारी क्वालिटीज़ थी। वसीम का मतलब उन्होंने ये बताया कि जिसको एक दफ़ा देखो तो बार बार देखने का दिल करे, और करीम
का उन्होंने ये मतलब बताया, मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इन वर्ड्स का मीनिंग पता लगा। करीम मतलब कि जिस तरफ से देखो उतने ही ज़्यादा वो खूबसूरत लग रहे थे। मतलब एक होता है ना, किसी इंसान का राइट एंगल ज़्यादा खूबसूरत होता है, किसी का लेफ्ट साइड ज़्यादा अच्छा आता है। उनको जिस साइड से देखो, और था जिस लेडी से उन्होंने बकरी लेकर और उसका दूध निकाला था, उस लेडी ने अपने खाविन से कितनी ज़्यादा तारीफ़ की थी उनकी आँखों की, हर चीज़ की। मतलब मैं यही चीज़ बोल रही हूँ कि मैं तो अपनी लैंग्वेज में वो सब शब्द बोल भी नहीं सकती, क्योंकि मैं अभी अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने वर्ड्स ही नहीं है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ अपनी ज़बान से कर सकूं। जो भी था, आप लोग के सामने था वीडियो, और काफ़ी मतलब नॉलेजेबल वीडियो था। पता होना चाहिए हम लोगों को कि हमारे नबी कितने खूबसूरत थे। हमें हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हाँ हम एटलीस्ट जान तो सकते हैं कि हमारे नबी वाकई कितने ज़्यादा खूबसूरत थे। मुझे ये ज़रूर पता है कि जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे उससे ज़्यादा खूबसूरत थे, पूरी दुनिया में उनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं था। लेकिन उनके साथ ही साथ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, जिनके अंदर वसीम और करीम दोनों क्वालिटीज़ थी। तो इन दोनों को आई थिंक खूबसूरती में सबसे ऊपर रखा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से भी ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती बयान की गई है हदीसों में। सो गाइज, दिस वॉज माई रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। अच्छा लगा है, पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।